हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। जनता की आवाज आप तक में आज हम लेकर आए हैं एक बहुत बड़ी खबर। दोस्तों, आप तमाम जितने भी सोशल मीडिया के यूज करने वाले हैं उन सब के लिए बड़ी खबर है। क्या आज से भारत में बैन हो जाएंगे फेसबुक व्हाट्सएप समेत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? जानिए क्या है केंद्र की नई गाइडलाइन। हेलो दोस्त, मैं हूं आपके दोस्त शाहिद शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। इस साल फरवरी में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया था, जिसमें से अभी कू ऐप ने इस गाइडलाइन को लागू किया है। देश में कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के करोड़ों यूजर्स हैं। ऐसे में अगर इन यूजर्सों को पता चलेगा कि आज से ये सभी प्लेटफॉर्म बैन हो रहे हैं तो क्या होगा? दरअसल कल यानी 25 मई को केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन को पूरी मंजूरी देने के लिए डेडलाइन समाप्त हो गई है। सरकार जो है इसे प्रतिबंध कर सकते हैं। ट्विटर ने मांगा समय। दोस्तों, सरकार के द्वारा जो टाइम दिया गया था वो अब खत्म हो गया है। अब जो है सरकार इसे बैन कर सकती है। वहीं ट्विटर ने समय मांगा है कि इस गाइडलाइन की डेडलाइन खत्म होने से पहले सोशल मीडिया ज्वाइंट फेसबुक ने अपने बयान में कहा है कि वह सरकार की नई गाइडलाइन का सम्मान करती है और इसे लागू करने के इसको लेकर कार्यरत है। फेसबुक ने भी कहा है कि नई गाइडलाइन को लागू करने को लेकर उसकी सरकार से के साथ चर्चा भी चल रही है। दूसरी तरफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए 6 महीने का समय मांगा है। वहीं भारतीय ट्विटर कहे जाने वाले कू ऐप सरकार की गाइडलाइन को लागू कर दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये कू ऐप जो है जिसमें ज्यादातर आपको बीजेपी के यूजर्स इसमें दिखाई देंगे, तो इससे ये भी माना जा सकता है कि इसमें इसको बनाने वाले जो है वो बीजेपी के ज्यादातर इसमें लोग जुड़े हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि केंद्र ने इस गाइडलाइन को लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था, लेकिन कू ऐप के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म इसे लागू नहीं किया है। ऐसे में नई गाइडलाइन को लागू करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि क्या कहती है नई गाइडलाइन। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत में नोडल ऑफिसर, रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर अपॉइंट करना होगा जो भारत में ही होगा, और इस ऑफिसर को 15 दिनों के अंदर OTT कंटेंट के खिलाफ मिलने वाली जो जानकारी उसका निपटारा करना होगा। इसके अलावा गाइडलाइन के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक मंथली रिपोर्ट जारी करनी होगी जिसमें शिकायतों और उसके निपटारे की जानकारी देनी होगी। यही नहीं, किन पोस्ट और कंटेंट को हटाया गया और इसकी वो क्या वजह थी इसके बारे में भी बताना होगा। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पास इंडिया का फिजिकल एड्रेस होना चाहिए जो कंपनी के मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दर्ज होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 घंटे में रजिस्टर्ड होगी शिकायत। नई गाइडलाइन के तहत शिकायत के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट मीडिया से आपत्तिजनक कंटेंट को हटाना होगा। साथ ही कंपनियों को एक शिकायत निवारण तंत्र रखना होगा और शिकायतों का निवारण करने वाला अधिकारी भी रखना होगा। 24 घंटे में शिकायत का रजिस्ट्रेशन होगा और 15 दिनों में उसका निवारण होगा। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की तरफ से डिजिटल कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए 3 महीने के भीतर कंप्लायंस अधिकारी, नोडल अधिकारी आदि को नियुक्त करने के निर्देश दिए थे। इन सभी का कार्य क्षेत्र भारत में होना जरूरी है। सरकार द्वारा दिए गए आदेश के तहत कंपनियों को कंप्लायंस अधिकारी को नियुक्त करना होगा और उसका नाम और कॉन्टेक्ट एड्रेस भारत का होना अनिवार्य है। चैट को ट्रेस करने के लिए कहना, फिंगरप्रिंट की जानकारी मांगने जैसा व्हाट्सएप की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार के नए दिशा निर्देशों में चैट ट्रेस करने की बात कही गई है और एक तरफ से वैसे ही है जैसे हमारे यूजर्स के फिंगरप्रिंट्स की जानकारी मांगी जा रही है। यह एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा और लोगों की निजता के अधिकार को मालिक रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया है कि हम इस मामले पर सिविल सोसाइटी के साथ में है जो दुनिया भर में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले लोगों की निजता की बात करता है। व्हाट्सएप ने आगे कहा है कि इस बीच हम लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यवहारिक समाधान पर भारत सरकार के साथ जुड़ना भी जारी रखेंगे जिसमें हमारे पास उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानून अनुरोधों का जवाब देना भी शामिल है। गौरतलब है कि गूगल और फेसबुक ने मंगलवार को कहा था कि वे नए नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक ने कहा था कि IT नियमों के अनुसार हम परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने
की ओर काम कर रहे हैं। हम हमारे प्लेटफॉर्म पर लोगों को स्वतंत्र रूप से, सुरक्षित रूप से खुद को व्यक्त करने की क्षमता के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, आप देख रहे हैं जनता की आवाज आप तक। आप इस वीडियो को किस प्रकार लेते हैं, और केंद्र सरकार के खिलाफ व्हाट्सएप ने मुकदमा दायर कर दिया है। दोस्तों आप जितने भी यूजर्स हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी लोग आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और बताएं कि केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया था जो गाइडलाइन, वो सही है या नहीं है, अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो छीन रही है या नहीं छीन रही है। व्हाट्सएप ने तो केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर कर दिया है, अब आगे देखना है कि क्या होता है। दोस्तों आप इस वीडियो को किस प्रकार लेते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो हिंदुस्तान में वायरल हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। और अगर आप यूट्यूब पर हमारे चैनल जनता की आवाज आप तक को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लें ताकि देश दुनिया की हर ताजा अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका दोस्त शाहिद शफीक, मिलता हूं अगले एक वीडियो में नए तथ्य एक नए वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज आप तक को और बेल आइकॉन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।